जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीईटी 2023 कैप राउंड की। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करें। गाइस, मैं अभी ये पार्ट वन समझना कि कौन सा कॉलेजेस, किस टाइप का कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करना है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। आगे जब कॉलेज ऑप्शन फॉर्म खुलेगा ना, तो उसमें ना पूरा डिटेल दिया रहेगा कि कौन सा कॉलेज, किस टाइप का कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, विद द कॉलेज नेम, फीस एंड एवरीथिंग। तो उस समय भी मैं बताऊंगा कि क्या आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। एंड गाइस, 2024 के लिए हमने बैचेस लॉन्च कर दिए, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिल वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987333335, और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट vidituneducation.com। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है, डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वॉन्ट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड गाइस। एंड गाइस, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं बीएड कॉलेज के टाइप के बारे में। तो बीएड कॉलेज टाइप में सबसे पहला है एडेड कॉलेज, ओके, एंड बीएड जनरल स्कोर और बीएड ईएलसीईटी स्कोर। ये है, जनरल स्कोर 100 मार्क्स का होता है आपका, और ईएलसीईटी 150 मार्क्स का। इसमें 100 प्लस इंग्लिश होता है, सो 150 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले एडेड कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ओके। इसमें आपको फीस सबसे कम रहेगा, ओके, एंड इसीलिए इसका कट ऑफ जो है वो काफ़ी ऊपर जाता है। तो आपको जब आप कॉलेज सर्च करोगे ना, तो आपको एडेड कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो आपको कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे। अगर आपका बीएड जनरल में स्कोर 80-100 है, मतलब अगर आपने सिर्फ पेपर वन दिया है बीएड जनरल, सो स्कोर 80-100 के रेंज में लाई करना है, तो डेफिनेटली 10 कॉलेजेस जो आप सिलेक्ट करोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एडेड कॉलेज को सिलेक्ट करिए, ओके। एंड ईएलसीईटी अगर आपने दिया है 150 मार्क्स में, अगर उसमें आपका स्कोर 100 से 135 प्लस है, ओके, सो यू शुड सिलेक्ट एडेड कॉलेज यहाँ पे, ओके। नाउ आफ्टर दिस अनएडेड कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ओके। अगर आपका स्कोर बीएड जनरल में 60-80 है और बीएड ईएलसीईटी में 70-100 प्लस है, तो अगेन आप अनएडेड कॉलेज सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट होने के चांसेस मिलते हैं, ओके, 10 कॉलेजेस यहाँ पे सिलेक्ट करिए। परमानेंट अनएडेड कॉलेज, ओके, परमानेंट अनएडेड कॉलेज का मतलब ये क्या है कि ये कम्प्लीटली अनएडेड है, ओके, ये कभी भी गवर्नमेंट नहीं होंगे। तो 50-60 है तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, बीएड जनरल का स्कोर है यहाँ पे 60-90 में, यहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, 40-70 एंड 40-80, ओके, ये रेंज में अगर आपका स्कोर है तो इन कॉलेजेस को आप सिलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे होता क्या है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज वो कॉलेज होता है जिनका सब कुछ वो खुद से ही फंड करते हैं, मतलब टीचर का सैलरी से लेकर स्टूडेंट का सारे एक्सेसरीज, जो भी आपको बीएड में मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब कुछ कॉलेज ही सेल्फ फाइनेंस करता है, इसीलिए इनको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज बोला गया है। नाउ आफ्टर दिस गर्ल्स कॉलेज, गाइस कुछ गर्ल्स कॉलेज है, वो सारे गर्ल्स कॉलेज है ना वो एडेड कॉलेज है। तो 80-100 और 100 प्लस अगर आपका स्कोर है ईएलसीईटी में, तो आप ये कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज फाइव कॉलेज, देर आर सर्टन एडजस्टमेंट करने वाले कॉलेजेस होते हैं जो आपको थोड़ा सा अटेंडेंस में मैनेज कर दे, ओके, सो वो कॉलेजेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है आपके के स्कोर के हिसाब से। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।